नजरिया ना लागे। जी हाँ, पवन सिंह का ये बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट लोकगीत आप सभी के बीच जल्द ही आने वाला है, कमिंग सून है। आपको ये बता दें कि इस गाने की शूटिंग पवन सिंह के घर आरा में ही हुई है। यहाँ उनके साथ चांदनी सिंह मौजूद थी। आपको ये भी बता दें कि चांदनी सिंह इनके साथ सावन के जो एल्बम आएंगे पवन सिंह के, उसमें भी नज़र आने वाली हैं। इसके साथ ही साथ पवन सिंह के जो कई बेहतरीन गीत हैं, अभी लोकगीत 3 से 4 आएंगे और उसके बाद पवन सिंह के सावन के गीत आएंगे। पवन सिंह ने अपने सावन के गीतों की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है। पिछले साल की तरह इस बार भी इनके जो गीत आएंगे बहुत चुनिंदा आएंगे, लेकिन कहा जा रहा है बहुत ही क्वालिटी वाइज आने वाले हैं। इन दिनों पवन सिंह लगातार सुर्खियों में बने हैं। जिस तरह से पवन सिंह के काफिले की बात की जाए, अभी आपने देखा होगा कि कल ही उनके काफिले की काफ़ी धूम रही। जी हाँ, पवन सिंह ने एक प्रोग्राम किया जहाँ कई बाइक सवार और कई ज़्यादा लोग पवन सिंह के इस काफिले में शामिल हुए। पवन सिंह ने एक समारोह में पार्ट किया था और आपको ये भी बता दें कि इस समारोह में पार्ट लेने के बाद पवन सिंह के जो ये राजपूताना स्टाइल है, उसके लोग कायल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। जिस तरह से तलवार पवन सिंह ने हाथ में पकड़ी थी, साथ ही साथ पवन सिंह के फिल्मों की भी शूटिंग बड़े ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। पवन सिंह जल्द ही मुंबई रवाना होंगे आरा से। उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स बाकी हैं मुंबई में, उसे कंप्लीट करके पवन सिंह वापस आरा आएंगे, क्योंकि वहाँ भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी बाकी हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।